हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लेट्स मेक। तो आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ चॉकलेट चीज केक, वो भी बिना मोल्ड के। तो शुरू करने से पहले मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले मैंने 50 कम से कम बिस्किट ले ली है, ये चॉकलेट बिस्किट है। अब मैं इसको अच्छे से पीस लूंगी और ये देखिए बिस्किट सब अच्छे से पिस चुकी है। तो अब मैं इसमें आधा कप मेल्टेड बटर डाल रही हूँ और अब मैं मेल्टेड बटर को भी अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ बिस्किट्स के साथ। तो ये देखिए हमारा मिक्सचर अब रेडी हो चुका है। तो ये देखिए मैंने अब ये छन्नी ले ली है, छन्नी का जो साइड वाला होता है वो मैंने लिया है और इसकी छन्नी मैंने निकाल दी है। जिस साइड से ये अंदर से फ्लैट है वो मैं नीचे रख रही हूँ। अब मैं प्लेट के एकदम बीचों बीच छन्नी को रख रही हूँ। अब ये जो बिस्किट का मैंने मिक्सचर रेडी किया था वो मैं इसमें डाल रही हूँ और ये देखिए अब मैं इसको अच्छे से फ्लैट कर लूंगी और चम्मच की हेल्प से ही मैं इसको फ्लैट कर रही हूँ। तो ये देखिए अब ये अच्छे से फ्लैट हो चुका है। तो अब मैं इसको फ्रिज में रख दूंगी। तो ये देखिए डबल बॉयलर में मैंने आधा कप कम से कम चॉकलेट ले ली है। अब चॉकलेट को अच्छे से मेल्ट कर लीजिए। ये देखिए अब ये अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। अब मैं गैस का फ्लेम बंद कर दे रही हूँ और अब ये जो थोड़ी बहुत चॉकलेट बची हुई है वो खुद ही अपने आप मेल्ट हो जाएगी। और ये देखिए चॉकलेट अब बिल्कुल रेडी है। मैंने बाउल में 1/4 कप पानी ले लिया है, ये गर्म पानी है। अब मैं इसमें 1 चम्मच जेलेटिन मिला रही हूँ और अब मैं इसको अच्छे से मिला के साइड में रख दे रही हूँ। अब मैं क्रीम रेडी कर लेती हूँ। तो ये देखिए बाउल में मैंने 1 कप चीज क्रीम ली है और दूसरे बाउल में मैं 1 कप व्हिप्ड क्रीम ले रही हूँ। अब मैं चीज क्रीम को अच्छे से फेंट लूंगी और ये देखिए चीज क्रीम अच्छे से फिट चुकी है। तो अब मैं व्हिप्ड क्रीम अच्छे से फेटूंगी। व्हिप्ड क्रीम को अच्छे से फेटते रहिए जब तक कि उसमें हार्ड पीक्स ना आ जाए। आपको कम से कम 10 से 15 मिनट लगेगा इसको व्हिप्ड करने में। तो ये देखिए अब इसमें हार्ड पीक्स आने लगे हैं और व्हिप्ड क्रीम अब बिल्कुल रेडी है। तो अब मैं व्हिप्ड क्रीम और चीज क्रीम को मिक्स कर लूंगी एक साथ अच्छे से। तो ये देखिए चीज क्रीम और व्हिप्ड क्रीम अच्छे से मिक्स हो चुकी है। तो अब मैं इसमें जेलेटिन मिला रही हूँ। मैं पहले जेलेटिन को अच्छे से छान ले रही हूँ और जैसे ही आप छाने वैसे तुरंत जल्दी से इसको फेटने लगिए वरना ये रबर जैसी हो जाएगी। क्रीम पहले अच्छे से व्हिप्ड कर लीजिएगा फिर उसके बाद जेलेटिन को रेडी करिएगा वरना जेलेटिन आपकी जेली जैसी हो जाएगी। तो ये देखिए अब जेलेटिन भी अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो ये देखिए अब चॉकलेट अच्छे से ठंडी हो गई है। ठंडी होने के बाद ही चॉकलेट इसमें मिक्स करिएगा। मैं थोड़ी सी चॉकलेट बचा ले रही हूँ ताकि मैं इसको बाद में मिक्स कर सकूँ और सेकेंड लेयर में डाल सकूँ। अब चॉकलेट को अच्छे से व्हिप्ड क्रीम में मिक्स कर लीजिए। तो ये देखिए अब चॉकलेट भी अच्छे से मिक्स हो गई है। तो अब मैं इसको मोल्ड में डाल रही हूँ। आपको कोई सी भी रेसिपी चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अब मैं इसको अच्छे से फ्लैट कर लूंगी। अच्छी फिनिशिंग के लिए बार बार अपने स्पैचुला को अच्छे से साफ करते रहें। मैंने बिना टर्निंग टेबल के भी आइसिंग कैसे करें वो वीडियो भी अपने यूट्यूब चैनल पर डाल रखी है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और ऊपर आई बटन में भी आपको शो हो रही होगी। तो ये देखिए अब अच्छे से ये फ्लैट हो चुका है। तो अब मैं इसको फ्रिज में रख दे रही हूँ। ये मैंने जो व्हिप्ड क्रीम थोड़ी सी बचा ली थी और जो चॉकलेट बचा लिया था उन दोनों को मैं मिक्स कर रही हूँ। तो मैं सेकेंड लेयर को अच्छे से लगा रही हूँ और इसको भी मैं अच्छे से फ्लैट कर लूँगी। मैंने बहुत सारी केक से रिलेटेड वीडियो डाली अपने यूट्यूब चैनल पे, आप चाहें तो जाके चेक कर सकते हैं। और ये देखिए अब ये अच्छे से फ्लैट हो चुका है। तो अब मैं इसको रेफ्रिजरेटर में रख दे रही हूँ। अब मैं चॉकलेट सॉस बनाऊँगी। तो मैंने 1/4 कप व्हिप्ड क्रीम ले ली है। अब मैंने इसको डबल बॉयलर के ऊपर रख दिया है। अब मैं इसमें 1/4 कप चॉकलेट मिला रही हूँ। अब मैं चॉकलेट और व्हिप्ड क्रीम को अच्छे से मिक्स कर लूंगी। तो ये देखिए चॉकलेट सॉस अब बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसको थोड़ा सा ठंडा कर लूंगी। अब ये देखिए चॉकलेट सॉस को मैं इसके ऊपर डाल दे रही हूँ और अब मैं इसको अच्छे से फैला दूंगी। अब मैं इसको फ्रिज में रख दूंगी कम से कम 1 दिन के लिए। तो ये देखिए अब ये अच्छे से सेट हो चुका है। तो अब मैं नाइफ की हेल्प से इसको डीमोल्ट करूंगी। और अब ये देखिए मोल्ड को मैं आराम आराम से निकालूंगी और ये देखिए कितना इजीली ये निकल जाता है।
अब मैं थोड़ी सी चॉकलेट से इसको गार्निश कर रही हूँ। अब मैं चीज़ केक को कट करूँगी और ये देखिए अंदर से कितनी अच्छी लेयर आई है और ये कितने अच्छे से सेट हो गया है और ये देखिए कट करने पे भी ये कितना स्मूथली कट हो रहा है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा।